नवंबर आते ही शादी का समय शुरू हो जाता है। ऐसे में अधिकतर लोग जिन्हें अपनी बेटियों की शादी करनी होती है वो लड़के की तलाश में परेशान हो जाते हैं। कई साल खोजने के बाद भी उन्हें मनपसंद लड़का नहीं मिल पाता है। अगर आपको भी अपनी लड़की के लिए दुल्हा नहीं मिल रहा है तो एक बार मधुबनी जरूर आइए। जी हाँ, मधुबनी के राहिका प्रखंड के 108 गाँव आइए। यहाँ दूल्हों के लिए एक सभा लगाई जाती है जहाँ आप अपनी बेटी बहन के लिए मनपसंद वर चुन सकते हैं। दरअसल इस सभा में आसपास के इलाके के वर और उनके परिवार के लोग आते हैं और सभा में बैठते हैं। यहीं से लड़की पक्ष वाले लड़कों को पसंद करते हैं। लड़की पक्ष वाले लड़कों का रंग, रूप, गुण, स्वभाव और घर के बारे में तत्काल ही छानबीन कर लड़की का रिश्ता भी तय कर देते हैं। आजकल जिस तरह लोग ऑनलाइन लड़का या लड़की देखते हैं, ठीक उसी तरह आप इसे ऑफलाइन व्यवस्था भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि एक समय में यहाँ 1 लाख से अधिक लोग हर दिन अपनी बेटी या बहन के लिए वर खोजने आते थे। यहाँ तक कि सभा स्थली पर उद्घाटन के दिन ही हजारों लाखों मैथिल एकत्रित होते थे। यहाँ आज वीरानी छाई है। मैथिल ब्राह्मणों की शादी के लिए प्रचलित स्थली 108 सभा का इतिहास करीब 800 साल पुराना रहा है। इतिहासकारों के अनुसार 1300 ईस्वी के आसपास हरि सिंह देव के समय सभा की शुरुआत हुई थी। इतिहास को जानने वाले बताते हैं कि 108 सभा मैथिल ब्राह्मणों का विश्वविद्यालय था जहां विभिन्न जगहों के छात्र एवं गुरुजन एकत्रित होते थे। फिर शास्त्रार्थ होता था, जीतने वाले को उपाधि दी जाती थी जिसे आजकल हम सर्टिफिकेट कहते हैं। इसके बाद मिथिलांचल सहित नेपाल के रहने वाले लाखों की संख्या में मैथिल ब्राह्मण 108 सभा में एकत्रित होने लगे और यह स्थली शादी विवाह के लिए काफी प्रचलित हो गई। हालांकि अब शादी विवाह तो यहाँ कम ही तय होती है, लेकिन प्रत्येक साल 108 में जुलाई के आसपास एक बार सभा जरूर लगती है। पंजी देखकर तारीख फिक्स होती है। तो ऐसे में अगर आप भी अपनी बिटिया रानी के लिए सपनों का राजकुमार खोज रहे हैं तो एक बार मधुबनी जरूर आइए और मधुबनी के राहिका प्रखंड के 108 गांव आकर दूल्हे के लिए एक सभा जो लगाई जाती है, यहां पर आप अपनी बेटी बहन के लिए मनपसंद वर चुन सकते हैं। लड़की पक्ष वाले आजकल जिस तरह लोग ऑनलाइन लड़का या लड़की देखते हैं, ठीक उसी तरह इसे आप ऑफलाइन व्यवस्था भी कह सकते हैं। और इस 108 सभा की इतिहास काफी पुरानी है। बताया जाता है कि मैथिल ब्राह्मणों की शादी के लिए स्थली 108 सभा का इतिहास करीब 800 वर्ष पुराना है और इतिहासकारों के अनुसार 1300 ईस्वी के आसपास हरि सिंह देव के समय ही सभा की शुरुआत हुई थी, जो कि आज तक इसका इतिहास चलते आ रहा है।